नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस कॉर्नर में। मैं आपके साथ वीरेन शुक्ला हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सेगमेंट के साथ। हम लोग यमुना एक्शन प्लान 2020 पढ़ रहे थे, जिसके हमने दो टॉपिक किए थे, दो पार्ट किए थे। यमुना एक्शन प्लान के हमने दो पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने समझा था कि हमारी नदियां प्रदूषित क्यों हुई, क्या कारण रहे प्रदूषण के, क्या इतिहास क्या था, बैकग्राउंड क्या था, किस किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण आया, शहरीकरण आया, मशीनीकरण आया, उपभोक्तावाद आया, सारी चीजें जुड़ी, किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हुआ, पारिस्थिति का नुकसान हुआ। चूंकि लंबा टॉपिक है इसलिए हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू में क्वेश्चन के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं, डिटेल से डील कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई गुंजाइश ना बचे, कुछ चाहे किसी टॉपिक से सिलेबस के कहीं से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमाकर प्रश्न पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए, किसी भी स्थिति में आप मजबूत हालत में हो आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम यमुना एक्शन प्लान के कोर इशू को डील करेंगे। अभी तक हमने बैकग्राउंड समझा था, दोबारा देख लीजिए कि टॉपिक सीधे कहां से जुड़ रहा है। अगर मेंस की बात करें, जीएस पेपर थर्ड टॉपिक नंबर 14, एनवायरमेंट इकोलॉजी कंजर्वेशन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण पारिस्थितिकी उसका संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव एवं आकलन। इसी के साथ साथ GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, चूंकि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, 2019 में हम पहुंच चुके हैं, जब लक्ष्य रखा, जब महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, तो उस साल उस एरा महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के साल में हम प्रवेश कर गए हैं। तो इसलिए एथिक्स सफाई से जुड़ा टॉपिक है, एथिक्स के रूप में, केस स्टडी के रूप में पूछा जा सकता है, प्लस एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और आपको साथ ही साथ आपको प्रदूषण भी पढ़ना है, तो GS3 में आपका पॉल्यूशन। इतने टॉपिक कवर कर रहा है, अगर सारा पूरे टॉपिक का अगर डिटेल से एनालिसिस किया जाए तो इतने सारे टॉपिक से आपका ये टॉपिक जुड़ रहा है। तो आज हम यमुना एक्शन प्लान पर ही बात करेंगे कि आखिर में जिस टॉपिक को लेकर हम दो लेक्चर के पहले चले थे वो एक्शन प्लान है क्या। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सबसे पहले, अगर यमुना से जुड़ी बात है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए, इसका आंसर आपको इस डिस्कशन में मिल जाएगा। यमुना कितने राज्यों से गुजरती है? ए 4, 3, 2, डी 1। यमुना कितने राज्यों से होकर गुजरती है, एक ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सही से लेक्चर देखेंगे तो इसका आपको आंसर इसी डिस्कशन में मिल जाएगा। तो हमने मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया था, अब जहां क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने की संभावना है,
जहां क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, अब हम यमुना के कोर इश्यू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यमुना एक्शन प्लान समझे, उससे पहले हम यमुना ही समझ लें। एक्शन और प्लान, तीन शब्द है यमुना एक्शन प्लान, तीनों अलग अलग है। पहले हम यमुना समझ लें, फिर एक्शन समझ लें, फिर प्लान समझेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यमुना ही देखते हैं। नदी से रिलेटेड बहुत नदी है, बांध है, इस तरह से रिलेटेड, नदी की लंबाई से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं फैक्ट के बेस पे। तो थोड़ा इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेंस को हमने डील किया है, मेंस को आगे भी डील करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर थोड़ी नजर बनाए रखें। तो यमुना लोअर हिमालय, लोअर हिमालय के उत्तराखंड राज्य में, इसी लोअर हिमालय की बंदरपूंछ चोटी, जिसकी ऊंचाई 6387 मीटर है, इस चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर के से निकलती है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी चार हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लोअर हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इनमें, इन हिमालयों में से लोअर हिमालय के बंदरपूंछ चोटी, जो कि 6387 मीटर ऊंची है, जो कि उत्तराखंड राज्य के हिस्से में आती है, इसके इस चोटी के बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और आगे देखते हैं, यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, या बोला जाए तो सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नहीं, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में, भारत के अंदर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भारत के अंदर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। और आगे कुछ फैक्ट देख लीजिए, चार राज्यों से गुजरती है, फोर प्लस वन दिल्ली चूंकि
केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक यूटी है। तो यमुना नदी चार राज्यों प्लस एक केंद्र शासित राज्य से होकर गुजरती है। ये चार राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसके बाद हरियाणा और यूपी के बीच बॉर्डर बनाती हुई प्रयाग में या इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर गंगा में मिल जाती है। 1376 किलोमीटर यात्रा करने के बाद और कुछ जानकारी देख लीजिए। इस यमुना नदी पर हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक हाथिनी कुंड बैराज है। कौन सा बैराज है? हाथिनी कुंड बैराज। ये बैराज 1996 से 99 के बीच के बना था, जिसमें 1873 में बने तेजे वाला बैराज को रिप्लेस कर दिया। ये जानकारी नोट कर लीजिए और देखते हैं यमुना नदी के बारे में जानकारी जो कि आपसे फिल्म्स में पूछी जा सकती है। जो ये हाथिनी कुंड बैराज है, मान लिया जाए ये है हाथिनी कुंड, तो इसी हाथिनी कुंड बैराज से दो कैनाल निकलती हैं। इसी हाथिनी कुंड बैराज से दो कैनाल निकलती हैं जो वेस्ट की ओर आती है, इसे कहते हैं पश्चिमी यमुना कैनाल या पश्चिमी यमुना नहर, जो ये हाथिनी कुंड बैराज से पूरब की ओर कैनाल आती है, इसे कहते हैं पूर्वी यमुना नहर या पूर्वी यमुना कैनाल। ये पश्चिम वाली हरियाणा में जाती है और ये पूरब वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहां? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो हाथिनी कुंड बैराज से पूर्वी यमुना कैनाल है, वो पूर्वी यमुना नहर है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाती है और जो ये पश्चिमी यमुना कैनाल है ये हरियाणा की ओर जाती है। तो देखिए यमुना नदी के बारे में। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसी हाथिनी कुंड बैराज पर एक छोटा सा रिजर्वायर भी है जो कि एक वेटलैंड या आर्द्र भूमि का निर्माण करता है, जहां पर 31 इक्वेटिक बर्ड्स जलीय पक्षी रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमने समझा यमुना एक्शन प्लान में
यमुना के बारे में। ये छोटी छोटी जानकारी प्रीलिम्स में पूछ दी जाती है, कहां से निकलती है, किस हिमालय से निकलती है, कितनी लंबाई में इसका बेसिन है, कितने में प्रवाहित होती है, हाथिनी कुंड बैराज कहां पे है, इस तरह की छोटी छोटी जानकारी प्रीलिम्स में पूछ दी जाती है। तो इस तरीके से हमने यमुना को समझा। अब आगे हम पढ़ेंगे यमुना एक्शन प्लान 2020। इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे यमुना एक्शन प्लान 2020। अब हम देखेंगे आगे कि आखिर प्लान क्या बनाया गया है, यमुना जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, प्लान क्या बनाया गया है आगे। तो चूंकि लेक्चर 15 मिनट से ऊपर निकल चुका है, अब इसको डील करेंगे तो थोड़ा लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम पार्ट 3 के रूप में छोड़ देते हैं और यमुना एक्शन प्लान को पार्ट 4 में कंप्लीट कर देते हैं। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए आईएएस कॉर्नर के साथ। जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, डिसलाइक करें, जो सजेशंस देना चाहें वो सजेशन दीजिए। जुड़े रहिए आप आईएएस कॉर्नर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।